जय हिंद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले, जैसे आप देख सकते हैं पीछे ही लिखा है, इंग्लिश के रिलेटेड, इंग्लिश के हम बात करने वाले हैं आज। मैंने आपको बोला था कि मैंने जीके का जैसे ही स्पोर्ट्स का टॉपिक कंप्लीट करूंगा, हम इंग्लिश की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज हम इंग्लिश का लेके आए हैं एक सैम्पल पेपर, जहाँ पे आपको ओवरऑल सारी चीज़ें दी गई रहेंगी, कैसे आपको पैसेजेस आ सकते हैं, उसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ग्रामर कैसे आ सकता है, एंटोनिम सिनोनिम्स वाला पूरा एक पार्ट है वो कैसे पूछा जा सकता है, यानी कि आप कैसे टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वीडियो के अंदर। और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं पेपर में भी नज़र आने वाले हैं, बिकॉज जो भी अपन कह सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में कहीं ना कहीं ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस इंग्लिश के रिलेटेड देखने को मिलते हैं। और हमें यही उम्मीद है कि ये वाले सीईटी एग्जाम में भी कहीं ना कहीं इंग्लिश का ऐसा ही क्वेश्चन है। तो बेस्ड ऑन बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स, हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। आज का पूरा ओवरऑल लेक्चर होने वाला है अबाउट इंग्लिश में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर हम डिटेल में जाएंगे, इन डेप्थ जाएंगे, थोड़े और पैसेजेस लाएंगे और ग्रामर के टॉपिक लाएंगे। मैं आपको पूरी पूरी शीट्स दूंगा जिसके अंदर आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आज शुरू करते हैं हम एज सैम्पल क्वेश्चन पेपर, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे ना आपको इजी पड़े इसलिए रीजनिंग का एक सेक्शन भी दे दिया है। रीजनिंग का सेक्शन क्या है, तो आंसर तो आपको पता है बट क्यों वो आंसर है ये मैं वीडियो में तो आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट जब आप ये एज अ नोट्स डाउनलोड करोगे तो आपको वापस वीडियो प्ले करके समझना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो पढ़ के आप समझ सकते हो। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप वीडियो में वापस प्ले करके चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। मेरा तो यही मानना है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और फिर ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, नीचे टेलीग्राम का लिंक है उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे लेक्चर के बाद तुरंत आ जाती है। दूसरा, अगर आप स्काई एजुकेशन ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी हो तो वहाँ पर भी ये पीडीएफ शेयर की जाती है। तो दोनों में से आप कोई भी एक चैनल पे रह सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और उन पे आपको ये पीडीएफ मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जहाँ पे हमारे पास एक पैसेज है और इस पैसेज के बेस पे सारे ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अलग अलग इंग्लिश के टॉपिक आपको यही पैसेज में से चुन चुन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको यहाँ पे हर तरीके से टेस्ट किया जाएगा, बेस्ड ऑन वोकेबलरी, बेस्ड ऑन ग्रामर, बेस्ड ऑन सेंटेंस कंप्लीशन, एंटोनिम सिनोनिम, सारी चीज़ें एक ही पैसेज से टेस्ट की जाएगी। तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले हम समझते हैं कि इस पर्टिकुलर पैसेज में हमको क्या दिया है। एज द ग्लोबल इकोनॉमी कंटिन्यूज टू इवॉल्व, बिजनेसेस फेस इंक्रीजिंग प्रेशर टू अडेप्ट टू चेंजिंग मार्केटिंग डायनामिक्स। विद द एडवांसमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी एंड शिफ्ट्स इन द कंज्यूमर बिहेवियर, कंपनीज मस्ट एम्ब्रेस इनोवेशन टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। इन दिस डायनामिक लैंडस्केप, अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग बिकम्स अ पैरामाउंट फॉर सक्सेस। फ्रॉम एनालाइजिंग द मार्केट ट्रेंड्स टू मैनेजिंग द बजट्स इफेक्टिवली, द एबिलिटी टू नेविगेट द फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज इज द एसेंशियल फॉर एस्पायरिंग एंटरप्रेनर्स एंड बिजनेस लीडर्स अलाइक। तो यहाँ पर पूरी चीज़ें दी गई है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एज अ बिजनेस मैन, एज अ एंटरप्रेनर आपको क्या किस तरीके से डिसीजंस लेने चाहिए, जिस तरीके से मार्केट की इकोनॉमी बढ़ रही है वगैरह, सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। अपने को बार बार रीड नहीं करना है, एक बार रीड करना है और फिर क्वेश्चन से ही हम वापस उस पर जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और आप अच्छी तरीके से आंसर्स दे पाओगे। तो व्हाट इज द प्राइमरी चैलेंज फेस्ड बाय बिजनेसेस इन इवॉल्विंग ग्लोबल इकोनॉमी। तो अपने को यहाँ पे देखो क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए हैं, डिक्लाइनिंग कंज्यूमर डिमांड, लैक ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, प्रेशर टू अडेप्ट टू द चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स और टेक्नोलॉजिकल स्टेगनेशन। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें पूरे ही जो भी पैसेज था उसमें इन तीन के बारे में कोई बात ही नहीं की गई। यहाँ पे प्रेशर टू अडॉप्ट वाले चीज़ें हैं, यहाँ पे देखो क्या दिया है, विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड शिफ्ट्स इन कंज्यूमर बिहेवियर, कंपनीज मस्ट एम्ब्रेस इनोवेशन टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। तो यहाँ पे वही है कि आपको चेंजिंग मार्केट के डायनामिक्स के हिसाब से अपना क्या बोलते हैं पूरी बिजनेस प्रोसेसेस सिस्टम्स वगैरह अलाइन करनी पड़ेगी। अगर रीजनिंग पे भी देखो तो क्या दिया है, द पैसेज एम्फसाइजेस दैट बिजनेसेस फेस इंक्रीजिंग प्रेशर टू अडेप्ट टू चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स इंडिकेटिंग द प्राइमरी चैलेंज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहली ही चीज दी है, अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट कर सकूँ। ओके, देखो फर्स्ट लाइन में ही अपने को गिवन है, बिजनेसेस फेस इंक्रीजिंग प्रेशर टू अडैप्ट चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स, पहली लाइन में गिवन है, समझा। तो अपने को जो क्वेश्चन में गिवन है ना, डायरेक्ट उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इनडायरेक्टली आते हैं, अपन डिस्कस करेंगे कौन से इनडायरेक्टली है। फिलहाल के लिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन था,
सिंपल आपको एक मार्क दे करके जाएगा। इसमें आप बिल्कुल गलत नहीं हो सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपको पैसे से खाली देख करके टिक करना है। Why is innovation important for a business according to the passage? तो इनोवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अपन सीधा ढूंढेंगे वर्ड इनोवेशन पूरे पैसेज में। वर्ड्स को पकड़ना है, कीवर्ड का गेम है पूरा का पूरा। अगर आपने कीवर्ड अच्छे से कैच कर लिया तो आप ये पहला पार्ट इंग्लिश का आराम से क्रॉस कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनोवेशन, ठीक है यहाँ पे मुझे दिख गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से आगे और पीछे का एक लाइन पढ़ लूँगा। क्या दिया है, विथ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड शिफ्ट इन कंज्यूमर बिहेवियर कंपनीज मस्ट एम्ब्रेस इनोवेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, इनोवेशन क्यों चाहिए, इनोवेशन चाहिए कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। इधर देखो कॉम्पिटिटिवनेस कहाँ दिया है, जी हाँ टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। इस तरीके से आपको आंसर्स मिलेगा। आपको यहाँ पे इनोवेशन वर्ड दिखा, आपको यहाँ पे भी इनोवेशन वर्ड दिखा। अब उसके लिए यहाँ पे दिया है रीज़न क्यों इनोवेशन करना चाहिए कॉम्पिटिटिव रहने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन में भी आपको दिया है कॉम्पिटिटिव, आपका राइट आंसर डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव निकल के आता है। ये भी सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था, पैसेज में से उठा के अपने आंसर टिक कर दिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, हम देखते हैं अभी नेक्स्ट वाला क्या है। What is essential for success in dynamic business landscape mentioned in the passage? अब dynamic business landscape के related हमको ढूंढते हैं, अपने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो dynamic business के related market dynamics हो गया ये। ये रहा dynamic landscape। इन दिस डायनामिक लैंडस्केप, डायनामिक बिजनेस लैंडस्केप क्या, व्हाट इज एसेंशियल, तो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। तो इग्नोरिंग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे देखते क्या है, अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, ये तो अपना आंसर ही नहीं है। अवॉइडिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, तो यहाँ पे क्या बोला है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करना है, तो ये भी नहीं है। थर्ड, स्टिकिंग टू ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, यहाँ पे तो अपने को पहले ही बोला ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को आप रह ही नहीं सकते, आपको तो कंटिन्यूसली नया नया चीजें करनी पड़ेगी, तो ये भी आंसर हो नहीं सकता। इसके लिए अपना ये आंसर हो गया एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। अगर आप देखो यहाँ पे एम्ब्रेसिंग इनोवेशन के लिए अपने को कोई ऐसा डायरेक्ट लाइन नहीं दिया, एम्ब्रेसिंग इनोवेशन वाला पार्ट तो ये रहा ऊपर था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने को चेक करना है क्या मेरे पैसेज में इसके रिलेटेड कुछ भी बोला गया है, क्या मेरे पैसेज के अंदर इसके रिलेटेड सही बात क्या लिखी है, गलत बात क्या लिखी है। तो यहाँ पर मैंने देखो कंपेयर किया है, उसके बेसिस पे आंसर दिया है। अब सर ये इतना टाइम पास तो हम कर ही नहीं सकते पेपर में, 90 मिनट्स के लिए पेपर होने वाला है, 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, तो कैसे होगा सर, इतना टाइम हमारे पास थोड़ी रहेगा। टाइम रहेगा, अपने को और बहुत पैसेज प्रैक्टिस करने हैं, और उससे अपने को कहीं ना कहीं आगे पीछे का कुछ ट्रिक्स पता हो जाएंगे, पैटर्न पकड़ पाएंगे। और दूसरी चीज़, पैसे हमेशा इतना छोटा ही आएगा, तो आपके पास बहुत अच्छे चांसेस है इतने छोटे पैसेज में से फटाफट आप आंसर ढूंढ पाओगे। तो हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज क्रूशियल फॉर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस लीडर्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो अभी यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, कुछ चीज़ें ना लॉजिकल बेस भी होती है, अपने को खुद को अक्कल होना चाहिए। क्या दिया है, अवॉइडिंग मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट ट्रेंड्स को अवॉइड करेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा, मार्केट के साथ चलना पड़ेगा, गलत है, ऑप्शन ही गलत है। ओवरलुकिंग बजट मैनेजमेंट, बजट को नहीं संभालोगे तो बिजनेस कैसा चलेगा। डिसरिगार्डिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर की बात, तो कंज्यूमर का अगर बात नहीं सुनोगे तो कैसा चलेगा, है ना। तो यहाँ पे कंज्यूमर का सुनना अपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम देखें तो यहाँ पे ये तीनों ही चीज़ ऐसी है जो नहीं दिए, तो अपने पास आंसर क्या बच रहा है, हम या तो मार्केट ट्रेंड अवॉइड कर रहे हैं, बजट नहीं मान रहे, कंज्यूमर का भी नहीं सुन रहे, तो ये तीन में से अपने को लग रहा है नेविगेटिंग फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी, पैसेज में भी दिया है, तो आपको ये चीज़ को सिलेक्ट करना है, नेविगेटिंग फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट, विच फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपने को कौन सा फैक्टर है जो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, तो टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन। अब टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन मतलब क्या, अब देखो यहाँ पे अपन ढूंढते हैं पैसेज में, अगर अपने को मिलता है तो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट पे अपन ने क्लिक किया, यहाँ पे अपन ने अंडरलाइन किया, और अभी आप देख रहे हैं आगे पीछे अपन ढूंढेंगे अगर अपने को कुछ मिलता है कि नहीं। अपन देख रहे हैं यहाँ पे डिसीजन बिकम्स पैरामाउंट ऑफ सक्सेस फॉर एनालाइजिंग मार्केट ट्रेंड्स टू बजट मैनेजिंग एबिलिटी टू नेविगेट फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस लीडर्स अलाइक। अपन ने पूरा पढ़ लिया, अब अपन देख रहे
पहले का पढ़ेंगे, पहले का पढ़ रहे हैं तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे, देखो शिफ्ट इन कंज्यूमर बिहेवियर, ये अपने को दिखा, तो हो सकता है कि वो पहले हो या बाद में हो, तो पहले या बाद में कहीं भी हो सकता है, अपने को ये ध्यान में देना है क्या है। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट की बात की गई है, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट का अपने को ढूंढना है यहाँ पे, और अपने को उससे कंज्यूमर बिहेवियर मिल गया है, तो शिफ्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे कि आपको समझो, अगर मैं मेरी प्राइस बढ़ाता हूँ, ठीक है, एनी वेज अगर मैं मेरी प्राइस, तो मेरा कहाँ अफेक्ट होने वाला है, मेरा डिमांड पर अफेक्ट होने वाला है ना, कहीं ना कहीं मेरे डिमांड पर ये चीज़ें असर होने वाली है। तो अगर समझो कि मैं प्राइस मेरी बढ़ा दूँ, है ना, तो अगर मैं मेरी प्राइस बढ़ाता हूँ तो मेरी डिमांड कहीं ना कहीं घटेगी, है ना, मोस्ट केसेस पे ये होगा कि डिमांड मेरी घटने वाली है। तो आपको ये सोचना है कि फाइनेंस का अगर मेरे को नॉलेज नहीं होगा, मुझे मेरी प्राइस कैसे सेट करनी है, ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं होगी, तो मैं कहीं ना कहीं मेरे डिमांड पे अफेक्ट कर बैठूंगा और डिमांड पे दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपना राइट आंसर है शिफ्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। यहाँ पर देखो रीजनिंग में भी क्या दिया है, द पैसेज मेंशंस दैट अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट इज एसेंशियल ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स इन कंज्यूमर बिहेवियर। तो इसके वजह से अपना राइट आंसर जो है वो क्या आ रहा है, शिफ्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। अब एक और तरीका है जिससे आप आंसर निकाल सकते हो, वो तरीका क्या है, तो देखो टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन का मतलब क्या हो जाता है, टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन यानी कि टेक्नोलॉजी एकदम सेम है, टेक्नोलॉजी चेंज ही नहीं हो रही है, तो ये तो ऑप्शन गलत है। डिक्लाइनिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन, अब गवर्नमेंट रेगुलेशन का अपने को फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट से क्या लेना देना है ना, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट और गवर्नमेंट रेगुलेशन का कोई रिलेशन ही नहीं है। शिफ्टिंग कंज्यूमर डिमांड अगर आप देखो, उसके पहले अपन देख रहे ऑप्शन डी स्टैटिक मार्केट डायनामिक, स्टैटिक मतलब सेम, बदल ही नहीं रही, एकदम सेम डिमांड रहने वाली है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट का, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ये भी नहीं है। अपना लास्ट आंसर जो बनता है वो है शिफ्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। तो इस हिसाब से भी आंसर निकाल सकते हो, बहुत तरीके हैं, आपको क्या समझ रहे हैं आपको वो दिमाग में लगाना है और उस लॉजिक से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे कई बार तो आप पैसेज नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपके आंसर्स निकलने के चांसेस हो जाते हैं। थोड़ा इकोनॉमिक्स, थोड़ा उसी का आपको कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। इंग्लिश है या नहीं, आप बोल रहे हैं इंग्लिश का पेपर है तो ऐसा कैसा सर, लेकिन इंग्लिश में भी आपको कहीं ना कहीं ओसी और इसका कॉन्सेप्ट चाहिए, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के। ट्रेड एंड कॉमर्स में मैंने सारी चीज़ें सिखाई है, आप वहाँ पर भी देख सकते हो, और थोड़ा 11th-12th के ओसी और इकोनॉमिक्स को ब्रशअप कर लो तो आप ये वाला पैसेज वाला चीज़ भी अच्छे से पार कर पाओगे। तब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्किल इज़ हाईलाइटेड एज पैरामाउंट फॉर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस लीडर्स। तो यहाँ पे क्या स्किल होने वाली है जो एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेस लीडर के पास होनी चाहिए। अब देखो, इग्नोरेंस ऑफ मार्केट ट्रेंड्स, ये आप करोगे तो बिजनेस कैसा चलेगा, स्ट्रेटेजिक डिसीजन को लैक करोगे कैसा चलेगा, फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करोगे तो बिजनेस कैसा चलेगा। तो अपने पास एक ही आंसर बचता है, वो इनोवेशन। तो यहाँ पे मैंने पैसेज देखा भी नहीं, आप देख सकते हो बिना पैसेज के अपने को आंसर मिल चुका, बिकॉज कई बार अपना लॉजिक अपने को यूज़ करना है। आप मार्केट ट्रेंड्स को नहीं समझो कि आपका बिजनेस काम नहीं करेगा, आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग नहीं करोगे तो आपका बिजनेस काम नहीं करेगा, फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज़ को नहीं समझोगे तो आपका बिजनेस काम नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं इनोवेशन विल बी द राइट आंसर, और अपने को यही मानना है और इसी हिसाब से अपना बिजनेस चलाना है। तो दिस इज़ द वन इम्पॉर्टेंट स्किल दैट नीड्स टू बी हाईलाइटेड। वॉट डज द पैसेज सजेस्ट is the essential for business facing market dynamics। market dynamics क्या होता है, तो market के आप देख सकते हो रोज़ के रोज़ जो भी है demand trends वगैरह change होते रहते हैं, और इसी changes को हम कैसे face कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रोज़ का रोज़ हर रीज़न हर वीक डिमांड बदल रहा है, उसको फेस करने के लिए बिज़नेस को क्या करना चाहिए। स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन क्या होता है, स्टैग्नेशन मतलब कि आप बिल्कुल ही ये हो जाओ। आपको देखो ये अडेप्टेशन आंसर कहाँ से मिलेगा, तो अपने को यहाँ पर ये पैसेज में दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे अपने को दिया है अडॉप्ट, दिख रहा है यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है अडॉप्ट। तो अडॉप्ट क्या है, यहाँ पे देखो चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स, तो अपने को अडॉप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर अपने को अडेप्टेशन मिलने वाला है। स्टैग्नेशन यानी कि आप जैसा मार्केट चल रहा है वैसे चलो, आप कन्फॉर्मिटी मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे, रेजिस्टेंस मतलब आपने एकदम इग्नोर कर दिया, आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, आप छोड़ दिया एकदम, आप कुछ करना ही नहीं चाहते उसके रिलेटेड, आप जैसे है वैसे ही चलना चाहते हो। तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे नोकिया का। अब नोकिया जो कंपनी है, नोकिया का एक फेमस फ़ोन निकला था जिसका नाम था लूमिया। अब ये फ़ोन जो था ये चलता था माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट कौन सा, तो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ पे चलता था ये पर्टिकुलर फ़ोन। और ये फ़ोन बहुत बिका था, बहुत फेमस था लोगों के बीच में, और इसी टाइम पे एंड्रॉयड का शुरुआत हो चुका था, एंड्रॉयड बहुत ही चल रहा था, एंड्रॉयड भी इतना बिक रहा था, लेकिन लूमिया का कहीं ना कहीं उस पर एक अपर हैंड था,
कहीं ना कहीं लूमिया लोगों को पसंद आ रहा था, लेकिन एंड्रॉयड भी पीछे नहीं था। अब यहाँ पे नोकिया को ये करना चाहिए था कि फ्यूचर को देखते हुए एंड्रॉयड को आगे लेना चाहिए था, लेकिन वो लूमिया पे ही रहे, कहीं ना कहीं अपर हैंड था। तो लूमिया को वही था कि नहीं, हम तो अपना सॉफ्टवेयर नहीं बदलेंगे, और लोग एंड्रॉयड की तरफ मुड़ गए। अब ये टाइम पे भी नोकिया पीछे रह गया था, लेकिन एंड्रॉयड पे फ़ोन निकाल के वो आगे बढ़ सकता था, मगर उसने ये चीज़ नहीं किया। और इसी के साथ जब नोकिया ने बंद होने के कगार पे आ गए और जब कमबैक किया, ठीक है, जब उन्होंने कमबैक किया तो क्या हो गया कि कहीं ना कहीं उन्हें वापस कमबैक के समय पे एंड्रॉयड पे ही आना पड़ा उनका। आप देख सकते हो आज के फ़ोन सारे ही एंड्रॉयड पे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे वो पकड़ के रह गए, तो फिर क्या उनका कंपनी ग्रो हुआ? नहीं। तो यहाँ से क्या सीखने को मिलता है कि अपने को अडाप्ट करना है, आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। अगर आप रेजिस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस को इशू हो सकता है। तो यहाँ पे अडेप्टेशन इज़ द राइट आंसर, और आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। रीजनिंग भी क्या कह रहा है कि बिजनेस को क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। क्वेश्चन 8 क्या है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट रोल डज टेक्नोलॉजी प्ले इन इवॉल्विंग ग्लोबल इकोनॉमी? तो टेक्नोलॉजी का ग्लोबल इकोनॉमी में क्या जो अहम भूमिका रहने वाली, क्या रोल रहने वाली है, वो अपने को चेक करना है। तो इरेलेवेंस, मतलब कुछ काम का ही नहीं है टेक्नोलॉजी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। रिग्रेशन, मतलब फोरकास्ट करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैग्नेशन, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है भाई, वैसे का वैसा ही चल रहा है। स्टैग्नेशन मतलब कभी भी कॉन्स्टेंट, ठीक है, जैसा है वैसा ही चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है, एडवांसमेंट होता है। अपन ने पढ़ा अभी इसके अंदर भी कि क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से अपने को एडवांसमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा एडवांसमेंट। ये रीजनिंग का पार्ट आपको दिया ही इसीलिए ताकि कई बार अगर आपको मेरी चीज़ें भी समझ में ना आए, या फिर आप जब नोट्स पढ़ रहे हो तब रिवाइज़ करना चाहो, तो ये रीजनिंग वाला सेक्शन पढ़ कर आप अपनी चीज़ें रिवाइज़ कर सकते हो, वरना वापस वीडियो लगा के आप देख सकते हो, बट उतना टाइम सेव आपका हो, इसलिए यहाँ पे रीजनिंग वाला सेक्शन दिया है। तो हमने यहाँ पे रीजनिंग वाला सेक्शन जो है हर इसमें दिया है, मैथ्स वाले में, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, सब में हम ये चीज़ें देने वाले हैं आइंदा से, आगे से, ताकि आपको रीजनिंग वाले सेक्शन से आपका रिवीजन बहुत फास्ट हो सके। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्या है? व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस लैंडस्केप इज़ एम्फोसाइज्ड एज डायनामिक? तो बिजनेस के अंदर डायनामिक क्या होता है, व्हाट इज़ द डायनामिक इन बिजनेस? तो अपने को देखना है यहाँ पे बिजनेस डायनामिक क्या है, तो हम पैसेज से देखेंगे। अपना राइट आंसर तो अपने को पता है क्या है, इवॉल्विंग मार्केट डायनामिक्स। क्यों? बिकॉज हमने पैसेज में बाकी किसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं, स्टैटिक मार्केट ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा नहीं, अनचेंजिंग कंज्यूमर डिमांड के बारे में पढ़ा नहीं, डिक्लाइनिंग इनोवेशन के बारे में पढ़ा नहीं। देखो पैसेज में यहाँ पे एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है, यहाँ पे देखो मार्केट डायनामिक्स चेंजिंग और उससे क्या हो रहा है, इवॉल्व। तो इवॉल्विंग मार्केट डायनामिक्स अपने को एज अ क्वेश्चन मिल गया, बाकी तीन अपने आंसर नहीं है। इवॉल्विंग मार्केट डायनामिक्स इज़ द राइट आंसर, तो हम पैसेज से लेकर के आए हैं। बिना पैसेज के भी आप ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं, अगर पैसेज में भी आपने आंसर दिया है। क्वेश्चन 10, व्हाट इज़ हाईलाइटेड एज एसेंशियल फॉर बिजनेस टू रिमेन कॉम्पिटेटिव? तो एक बिजनेस को कॉम्पिटेटिव करने के लिए क्या करना चाहिए, इनोवेशन। हमने अब भी पढ़ा है इनोवेशन के बारे में पिछला क्वेश्चन में ही। चेंज को अगर हम रेजिस्ट करेंगे, नोकिया वाला जो एग्जांपल देखा, बिजनेस गिर जाएगा। टेक्नोलॉजिकल स्टेग्नेशन, टेक्नोलॉजी में हम अगर आगे ही नहीं बढ़ेंगे तो भी अपना बिजनेस बंद होने वाला है, और अगर कंज्यूमर की नहीं सुनेंगे तो भी बिजनेस नहीं होने वाला है। जैसा नोकिया वाले में भी हमने देखा, कंज्यूमर को एंड्रॉयड चाहिए था, हमने चेंज ही नहीं किया। तो इनोवेशन इज़ द राइट आंसर, तो इनोवेशन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट अब ग्रामर का सेक्शन आ चुका है। ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मालूम है कहीं ना कहीं। क्या दिया है अभी, विथ सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेट द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्या ऑप्शन है, द टीम आर वर्किंग टूगेदर टू अचीव द प्रोजेक्ट गोल। द टीम इज़ वर्किंग टूगेदर टू अचीव द प्रोजेक्ट गोल्स। द टीम वर वर्किंग टूगेदर टू अचीव द प्रोजेक्ट गोल्स। द टीम एम वर्किंग टूगेदर टू अचीव द प्रोजेक्ट गोल्स। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है कि टीम जो है ना, टीम जो है वो टीम एक सिंगुलर यूनिट है। कहीं ना कहीं टीम में आपको ये नहीं देखना है कि टीम में मेंबर्स बहुत सारे होते हैं तो आप उसे एज अ सिंगुलर यूनिट नहीं गिन सकते। तो जब भी हम पर्सन की बात करते हैं, हाँ देखो टीम एक सिंगुलर यूनिट है, ध्यान देने का, कभी भी एक सिंगुलर यूनिट है, तो हम टीम में ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत सारे लोग हैं। हम पर्संस की बात करते हैं तो आ रहा था क्योंकि पर्सन बहुत सारे, लेकिन टीम के अंदर बहुत सारे हो लेकिन टीम को अकाउंट तो एक ही करते हैं ना। इंडिया की टीम उतर रही है तो इंडिया की एक ही टीम उतर रही है ना। तो जब टीम की बात करते हैं, टीम इज़ वन, और वन जो है वन में हम लगाते कभी भी इज़, यानी कि सिंगुलर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कभी भी टीम वाला चीज़ आए तो सिंगुलर होता है, एक ही चीज़ होती है, और इसके लिए यहाँ पे आंसर आएगा इज़ वाला। आप देख सकते हैं रीज़न में भी दिया है, टीम इज़ वर्किंग टुगेदर टू अचीव द प्रोजेक्ट गोल्स, और यहाँ पे सब्जेक्ट टीम इज सिंगुलर, सो इट शुड बी पेयर्ड विद द सिंगुलर वर्ब इज़। तो यहाँ पे
इस चीज़ को हमने एज अ सिंगुलर गिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंचुएशन। यहाँ पे चार दिए हैं अपने को ऑप्शन, अपने को देखना है किसमें करेक्ट पंचुएशन दिया है। आई लव कुकिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमा दिया है। आई हेट क्लीनिंग अप आफ्टरवर्ड्स, फिर नेक्स्ट वाले में देखो क्या दिया है, आई लव कुकिंग बट आई क्लीनिंग अप आफ्टरवर्ड्स, आई लव कुकिंग बट सेमी कॉलन दिया है, आई हेट क्लीनिंग अप आफ्टरवर्ड्स, और यहाँ पे डबल कोटेशन आप देख सकते हैं सब में दिया है, आई लव कुकिंग सेमी कॉलन बट आई हेट क्लीनिंग अप आफ्टरवर्ड्स, है ना। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो बट जो है, ठीक है, बट जो वर्ड है यहाँ पे बी वाला आंसर अपने करेक्ट दिख ही रहा है, बट क्यों? बिकॉज बट जो है, बट खुद एक कंजंक्शन है। अब कंजंक्शंस क्या होते हैं, जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है ना, बट क्या है, बट खुद एक कंजंक्शन है। तो अगर वो लग रहा है तो आपको ये कॉमा जो है, कॉमा यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज अगर आप कॉमा यूज़ करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, सेंटेंसेस को डिवाइड कर रहे हैं। तो बट यहाँ पे कंजंक्शन यानी कि यूनाइट कर रहा है दो सेंटेंसेस को, तो आपको कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बिकॉज ये एक परफेक्ट फॉर्म है जहाँ पे कंजंक्शन का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और अननेसेसरी पंक्चुएशंस नहीं लग रहे हैं। तो बट यहाँ पे आप देख सकते हो दो सेंटेंसेस को यूनाइट कर रहा है, ऊपर वाले जितने भी सेक्शन है वहाँ पे सेंटेंसेस डिवाइड हो रहे हैं। देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है कॉमा के वजह से, सेंटेंस डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है सेमी कॉलन की वजह से, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वापस सेमी कॉलन की वजह से, लेकिन बट क्या कर रहा है, बट यूनाइट कर रहा है। तो ये एक करेक्ट फॉर्म है और इसी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं अब ये वाला सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ग्रामर के अंदर कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठते हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजेस करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म। अब कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है वो समझे, तो आपको दो टाइप के फॉर्म होते हैं, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। कंपैरेटिव जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, है ना। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने क्वेश्चन दिया है कि इजी का क्या फॉर्म होगा, ठीक है, यहाँ पे कौन सा कंपैरेटिव फॉर्म है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस अपने को दिए हैं, ये चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा वो हमें सिलेक्ट करना है। तो दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट टास्क, दिस टास्क इज़ मोर ईजियर दैन द लास्ट वन, दिस टास्क इज़ ईजियर दैन द लास्ट वन, दिस इज़ द ईजिएस्ट दैन द लास्ट टास्क, है ना। चार ऑप्शन अपने को दे दिए गए, अपने को इसमें से सिलेक्ट करना है कि कंपैरेटिव क्या होता है। तो हम यहाँ पे देखो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर मेरे पास, मैं दो फॉर्म्स लिख देता हूँ, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट के हिसाब से इजी वर्ड का कंपैरेटिव सुपरलेटिव लिख देते हैं, ईजी, ईजियर एंड ईजीएस्ट, है ना, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, ये तीन फॉर्म होते हैं। अपने को तो कंपैरेटिव क्वेश्चन में पूछा है यानी ईजियर आना चाहिए, तो अपने को ढूंढना है ईजियर कहाँ है क्वेश्चन में। ये देख सकते हो एक तो ईजियर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है। तो ईजियर का अपने को अब देखना है कि कौन सा प्रॉपर वे में लिखा गया है, कौन सा ग्रामेटिकली वे में। दिस टास्क इज़ मोर ईजियर, मोर नहीं चलेगा अपने को भाई, इसे खाली ईजियर चाहिए ना, कंपैरेटिव दिया है, मोर वगैरह लगेगा ही नहीं। तो देखो यहाँ पे खाली ईजियर है, आगे पीछे कुछ नहीं है, तो दिस विल बी आवर राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको ध्यान रहना है कंपैरेटिव में कभी भी आ रहा है तो आपको मोर वगैरह ऐसा कोई चीज़ की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको उसका जो भी वर्ब फॉर्म होने वाला है वो यूज़ कर लेना है। जाते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे आप रीजनिंग में भी दिया है, देखो ईजियर इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ ईजी। वोकेबलरी टाइप, अब वोकेबलरी में सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह आ गए हैं, तो व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इनोवेटिव। तो इनोवेटिव की जब हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनल तो हो ही नहीं सकता, है ना, ट्रेडिशनल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल दोनों एक ही चीज़ हुई। क्रिएटिव की बात करते हैं, क्रिएटिव तो कहीं ना कहीं इनोवेटिव से रिजेंबल करता है, जी हाँ, कॉमन मतलब तो सेम हो गया ना, उसमें इनोवेशन कहाँ है। तो इनोवेटिव एंड क्रिएटिव बोथ इंप्लाई द जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज़ और मेथड, तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है वो है क्रिएटिव। अब एंटोनिम सिनोनिम्स में आपको मैं एक डेडिकेटेड लिस्ट प्रोवाइड करूँगा, हो सकता है शायद ये वाले लेक्चर में पॉसिबल ना हो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं आपके लिए एक शीट देने वाला हूँ जहाँ पर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दिए जाएंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो रेगुलरली, जिससे आपका पूरा का पूरा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स अच्छे से हो सके। इसके लिए आपको करना क्या है, तो आपको टेलीग्राम का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बिकॉज तो ही आपको ये पीडीएफ मिलती है और तो ही आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर डाउनलोड कीजिए, तभी आपको ये सारी पीडीएफ्स अवेलेबल की जाएगी और तभी आप वहाँ से पढ़ करके अपनी चीज़ें रिवाइज़ कर सकते हैं।
तो बिल्कुल ना भूलिए, कमेंट कीजिए, कमेंट पे भी आपका सपोर्ट बताइए और वीडियो को लोगों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे और वीडियोस लाने के लिए। तो खैर हम इस अभी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ वास्ट। वास्ट मतलब क्या? वास्ट मतलब बहुत सारा, है ना। वास्ट मतलब क्या? वास्ट मतलब बहुत सारा। उसका एंटोनिम मतलब उल्टा, तो बहुत सारा का उल्टा कम क्या होता है? कम। तो यहाँ पे हम देखते हैं वास्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? लिमिटेड। स्मॉल भी कम होता है, लेकिन स्मॉल इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड, तो लिमिटेड इज़ द राइट आंसर। चूज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एसिडियस। अब एसिडियस का करेक्ट डेफिनेशन मतलब क्या? तो यहाँ पे अपन देखते हैं, जो राइट आंसर तो अपना है यहाँ पे हार्डवर्किंग, लेकिन लेजी हो नहीं सकता, इनअटेंटिव हो नहीं सकता, अनइंटरेस्टेड हो नहीं सकता, इसलिए राइट आंसर क्या आएगा? हमेशा हार्डवर्किंग। क्यों ऐसा? वाई ये लेजी अनअटेंटिव अनइंटरेस्टेड हो नहीं सकता, हार्डवर्किंग ही क्यों राइट आंसर है? तो अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं, यहाँ पे रीजनिंग में दिया है, एसिडियस मींस शोइंग ग्रेट केयर एंड परसीवरेंस सिनोनिमस विद हार्ड वर्किंग, है ना, सिनोनिमस विद हार्ड वर्किंग। यानी कि ग्रेट केयर और परसीवरेंस से काम करने वाला जो आदमी है, बहुत ही पेशेंस जिसके पास है, वो आदमी को हम बोलेंगे एज एन एसिडियस पर्सन। तो लेज़ी तो ये काम कर नहीं सकता, लेज़ी आदमी के पास ना ही कोई केयर है ना परसीवरेंस, अनअटेंटिव बंदा केयर और परसीवरेंस से काम कर नहीं सकता, है ना। लेज़ी आदमी परसीवरेंस रख नहीं सकता, अनअटेंटिव केयर नहीं रहेगा, अनइंटरेस्टेड दोनों ही नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं हार्ड वर्किंग ही ये दो क्वालिटीज़ कर सकता है, जहाँ पे वो केयर भी रख सकता है और पेशेंस भी रख सकता है, इसलिए एसिडियस का राइट आंसर इज़ हार्ड वर्किंग। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना है कि हार्ड वर्किंग और एसिडियस इज़ अ सिनोनिमस वर्ड। करेक्ट डेफिनेशन और सिनोनिमस वर्ड इज़ समथिंग रिलेटेड, दोनों सेम ही होता है, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बट कर डेफिनेशन में हम थोड़ा बहुत नज़दीकी वर्ड्स को लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द चिल्ड्रन रैन डैश टू कैच द स्कूल बस। आप देख सकते हो क्या है, क्विक है, क्विकली, क्विकीएस्ट, क्विकर है। द चिल्ड्रन रैन क्विक टू कैच द स्कूल बस, चिल्ड्रन रैन क्विकली टू कैच द स्कूल बस, Children ran quickest to catch the school bus. Children ran quicker to catch the school bus. तो चार अपन ऑप्शन देख लिए। अब ये चार ऑप्शन में से आपको क्या लग रहा है कि कौन सा अपना राइट आंसर हो सकता है ना। कई बार बोलने में भी अपने को देखना पड़ता है कि बोलते वक्त आपको क्या लग रहा है कौन सा राइट आंसर हो सकता है। तो देखो बोलते वक्त भी अपन देखे तो क्विकली अपने को अच्छा साउंड आता है, वी फील कि क्विकली इज़ द कैन बी द राइट आंसर। कई बार आपको इंग्लिश में होता है दिक्कत आ जाए, आप नहीं इतना आपका वोकैब वगैरह अच्छा नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि बोलने में कौन सा चीज़ है सही लग रही है, बोलने में कौन सी चीज़ ऐसी लग रही है कि हाँ ये आंसर हो सकता है। तो आपको कई बार अपने गट फीलिंग के हिसाब से भी आंसर आप ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम क्विकली लेंगे, क्योंकि सबके पीछे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ये चीज़ें होती हैं। अब सब रूल्स आपको याद हो ना हो, कई बार आप गट फीलिंग के साथ आगे बढ़ सकते हो। तो चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कई बार आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है और आंसर को सिलेक्ट करना है। तो क्विकली इज़ द एडवर्ब फॉर्म दैट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स हाउ द चिल्ड्रन रैन। तो यहाँ पे क्विकली क्या है? एडवर्ब फॉर्म है, राइट एडवर्ब फॉर्म है, इसलिए हमने ये आंसर सिलेक्ट किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शी इज़ नोन फॉर हर डैश टू डिटेल इन हर वर्क। तो यहाँ पे अपने फिल करना है क्वेश्चन के साथ कि विच कैन बी द राइट वर्ड। तो अटेंडिंग हो नहीं सकता, शी इज़ नोन फॉर आर अटेंडिंग टू डिटेल इन आर वर्क, अटेंड टू डिटेल, अटेंटिव नहीं हो सकता। तो अटेंशन टू डिटेल विल बी द राइट आंसर। अपन ने कई बार सुना है ये, नोन फॉर अटेंशन टू डिटेल, टीचर्स अपने को बोलते हैं पे अटेंशन टू योर डिटेल्स। तो ये सारी चीज़ें अपन यूज़ करते हैं डेली इंग्लिश में, कई बार पढ़ते वक्त भी। अटेंशन रिफर्स टू केयरफुल कंसिडरेशन और फोकस। तो इस चीज़ें को आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा बहुत बेसिक इंग्लिश का आपको थोड़ा नॉलेज रखना है। सेंटेंस कंप्लीशन का हम यहाँ पे और एक एग्जांपल ले रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट्स हैव डैश स्टेडीली ओवर द ईयर। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ रखना है कि कभी भी हैव आ रहा है तो हैव के साथ हमेशा हमेशा पास्ट टेंस आने वाला है। तो मेरे को ढूंढना है क्या मेरा ऑप्शन में पास्ट टेंस वाला कौन सा वर्ब, इंक्रीज है नहीं, इंक्रीजिंग है नहीं, इंक्रीजमेंट है नहीं। इंक्रीज में आप देख सकते हो ईडी लगा है, इसके लिए पास्ट टेंस है। तो हैव के साथ आपको कहीं भी आना है पास्ट टेंस यूज़ करना है। अब हैव के जगह हो सकता है आपको हैज़ भी दिया हो। अब यहाँ पे देख सकते हो रीजनिंग में क्या दिया है, इंक्रीज इज़ द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब इंक्रीज, इसीलिए दिस विल बी द राइट आंसर। मैंने आपको बोला जैसी हैव की जगह पे आपको हैज़ भी दिया जा सकता है, तो उसके टाइम पे भी आपको पास्ट टेंस ही यूज़ करना है। हैव या हैज़ आपको दिखा, द पास्ट टेंस वुड बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ऑप्टेन? ऑप्टेन मतलब क्या? पा लेना, ले लेना, है ना, कोई ऐसी चीज़ होती है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे ऑप्टेन एबल मतलब मिल सकती है, और ये सिनोनिम हो गया ना एकदम, एक टाइप का सिनोनिम, सॉरी क्या कहते हैं उसको, एग्जैक्ट वर्ड हो गया। रिलीज मतलब तो छोड़ देना, तो ये तो हो नहीं सकता, है ना। सरेंडर के बाद भी वही होगी कि छोड़ देना, सरेंडर कर देना। तो अक्वायर, अक्वायर का मतलब भी क्या होता है? पा लेना, है ना। तो ऑप्टेन और एक्वायर ये दोनों ही चीज़ ऑलमोस्ट सेम हुई, और इसलिए यहाँ पे एज अ सिनोनिम हम ये आंसर सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ एक्सपांड? एक्सपांड मतलब बहुत खींच लिया ना, एक्सपांड करना, खींचना, है ना। और हम यहाँ पे देखते हैं एंटोनिम मतलब क्या, उसका उल्टा, उल्टा मतलब क्या, श्रिंक होना, दबाना। तो एनलार्ज अगर हम देखते हैं तो एनलार्ज भी क्या हुआ, कहीं ना कहीं बड़ा करना, ठीक है, लार्ज करना, एक्सपांड करना, सिनोनिम ही हो जाता है। ग्रो, ग्रो मतलब भी वही हो गया, आगे बढ़ना, एक्सपांड होना, तो ग्रो भी नहीं हो सकता। एक्सटेंड का भी कहीं ना कहीं यही मीनिंग होता है, श्रिंक मतलब कम होना। तो एक्सपांड का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन साइज और वॉल्यूम, वाइल श्रिंक मीन्स टू डिक्रीज। यहाँ पे अपने को एंटोनिम्स का मतलब और सिनोनिम्स का मतलब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे और एक सिनोनिम का एक ले लेते हैं, कंक्लूड, ठीक है, सिनोनिम ऑफ कंक्लूड। अब कंक्लूड क्या होता है, तो ये आपको समझना है। तो कंक्लूड मतलब क्या, एक सेकेंड ना, ज़रा वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पावर पॉइंट मोड, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ अपन आ चुके हैं अभी अपने क्वेश्चन जी। टू कंक्लूड का सिनोनिमस वर्ड ढूंढना है। सिनोनिमस मतलब क्या, सेम। कंक्लूड मतलब क्या, कंक्लूड मतलब ख़त्म, कंक्लूड मतलब ख़त्म। तो अपने को ख़त्म का सिनोनिमस वर्ड ढूंढना है। कमेंस मतलब क्या, शुरुआत होना, स्टार्ट होना, ये तो उसका एंटोनिम हो गया, गलत, ये हो ही नहीं सकता। फिर नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट है एंड। एंड आप देख सकते हैं, एंड मतलब ख़त्म, है ना, एंड और ख़त्म एक ही चीज़ हो गई। तो ये अपना राइट आंसर है। नीचे के अपने को देखने ही नहीं ऑप्शन, अगर मेरे को मेरा राइट आंसर मिल गया है तो मैं नीचे क्यों ढूंढूंगा, बराबर ना। तो अपना राइट यहाँ पे ख़त्म होता है। इसी के साथ ये पूरा जो भी अपना सिनोनिम्स एंटोनिम्स इंग्लिश का मैं आपको पूरा एक ओवरऑल दे चुका हूँ, आपको एक आइडिया दे चुका हूँ कि किस तरीके से पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चीज़ें हम लिख सकते हैं, क्या नहीं हो सकते है, और आपको क्या करना है। अगर आप नए आए हो तो आपको वीडियोज़ को देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और करंट अफेयर्स को अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, हमने कंप्यूटर बेसिक के भी वीडियोस कवर कर चुके हैं, तो वो भी अगर आपने नहीं देखे तो वो आपको सबसे पहले देख लेना है, और उसके बाद आपको ये इंग्लिश वाला चीज़ें शुरुआत करनी है। और करंट अफेयर्स के लिए आपको कॉन्स्टेंटली अपडेट रहना पड़ेगा, न्यूज़पेपर वगैरह का रीडिंग वगैरह आप कीजिए। आप बहुत लोग वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन कमेंट्स के जरिए अपना सपोर्ट नहीं बता रहे। कीप सपोर्टिंग, हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। आपको वीडियोस को लाइक करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। अगर आप स्काई एजुकेशन ऑफिशियल के ऑलरेडी ज्वाइन किए हो तो हम आपको वहाँ पे भी ये सारी पीडीएफ शेयर करते हैं। मैंने आपको बहुत इंटरेक्टिव रखने की कोशिश की है, मैं पीपीटीज और नोट्स भी ऐसे ही बना रहा हूँ जिससे आपको पढ़ने में मज़ा आए, और ये रीजनिंग वाला सेक्शन मैं नया लाया हूँ जिसके थ्रू आपको आंसर्स भी के रीजंस भी बहुत अच्छे से मिल सके। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।